सो गाइस अपना दोस्त लोग हैं, सब लोग दीप है, सुबित है, शशिकांत अपना, और यहाँ पे छपरी राइडर्स। चलो चलो चल 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 अच्छा लग रहा है इसका ओवर बाइक। सो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे सब लोग। सो अभी बज रहा है सुबह का, आई गेस कितना बज रहा है, 7 बज रहा है, और हम लोग हो गए भयंकर लेट, क्योंकि बात था 5 बजे निकलने का, हम लोग उठे ही सारे 5 बजे। सो नेवर माइंड, तो अभी जाएंगे हम लोग आई लव मिरिक, मतलब मिरिक का ही एक जगह है जहाँ पे आई लव मिरिक आएगा उससे लिखा रहता है। सो वीडियो देखोगे पता चल जाएगा कौन सा जगह की बात कर रहा हूँ। सो काफ़ी सुंदर सा जगह है, व्यू बहुत ही अच्छा है। सो अपने राइडर्स यहाँ पे न्यू बाइक है, देख लो ड्यूक 200, एकदम मस्त लग रहा है जाना का लेगार्ड के साथ, दोनों राइडर एकदम लेट्स गो। ठंडा हवा, मतलब जो वेदर है वो उतना ज्यादा भी वो नहीं है। क्या हुआ इसको, ओह ही इज वेयरिंग ग्लव्स, गुड। मैंने ग्लव्स क्यों नहीं लगाए, क्योंकि मेरा ग्लव्स टाइट होता है बहुत मुझे। सो अभी नया लूंगा, सो मैंने सोचा कि एक बार अच्छा ही वाला लूँ, जो लेदर के होते हैं, गॉलेट बोलते हैं, जो गॉलेट ग्लव्स फुल हैंड जो होते हैं वो लूँगा। सो इसीलिए मैं पहना नहीं हूँ, नहीं तो इतना ठंडा है थोड़ा थोड़ा हाथ में लग रहा है, तो पहनना तो चाहिए था, लेकिन मैंने राइडिंग जैकेट पहना है, देख लो राइडिंग जैकेट पहना। सो राइडिंग जैकेट तो पहना हूँ, बाकी ग्लव्स नहीं पहना हूँ बस, क्योंकि मैं जब भी घर से निकलता हूँ पूरा प्रोटेक्टिव गियर्स पहन के ही निकलता हूँ। आई एम नॉट ए दैट काइंड ऑफ गाय। हम लोग जब भी निकलते हैं हम लोग इंजॉय करने के लिए निकलते हैं। सो जब भी हम लोग चलाते वालाते भी तो उतना रश नहीं करते हम लोग, यही मेरा ग्रुप था, मुझे काफी अच्छा लगता है। दे डोंट रश लाइक क्रेजी गाइस, बहुत लोग क्या करते हैं एकदम पागल हुआ चलाते रहते हैं एकदम छपरी लोग। सो माय गाइस आर नॉट लाइक दैट एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। अभी देखो मेरा स्पीड अभी 40-45 के आसपास ही है। सो मैं आप सबको यही बोलूंगा, क्योंकि अभी पता नहीं मुझे ऐसा मतलब जब भी देखता हूँ एक ना एक बाइकर का क्रैश होता ही है। मैड पायरेट जो भाई थे अपने, उनके बारे में आपको पता ही होगा, बहुत खराब लगा सुनकर, बिकॉज मुझे वो पर्सनली बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि उनका बाइक का कलेक्शन जो बाइक चलाते थे, और एक होता है ना कि जो एज अ पर्सन एज अ बाइकर जो थे मुझे वो काफी ज्यादा पसंद थे, बट जब उनका जब मैंने ऐसे सुना तो काफी ज्यादा खराब लगा था, बट क्या कर सकते हैं, जिंदगी है, कभी कुछ भी हो सकता है। सो उनका वीडियो भी मैंने देखा था कि गाय जो है सामने आ गई थी और उन्होंने ब्रेक जो है सडन ब्रेक किया, तो चाहे कि वो बाइक गाड़ी गाय को बचाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली क्रैश हो गया, उनका उधर ही डेथ हो गया। सो प्लीज, और मैं सब अपने बाइकर्स को यही मैं बोलना चाहूंगा कि प्लीज भाई आप प्लीज आराम से चलाएं, आपका घर में आपका जो फैमिली आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है, सो प्लीज आप लोग उनके लिए ना थोड़ा आस्ते चलाए, क्योंकि जिंदगी में क्या है कि समय वापस, हाँ समय वापस नहीं आता, पर जान जो है और ज्यादा कीमती होता, वो जान भी वापस नहीं आता। अगर एक बार अपनी जान को खो देते हो ना, शायद ही कभी, क्या पता आपका टांग या पैर हाथ भी टूट सकता है। तो प्लीज जरा सा बस आप इस चीज के बारे में अच्छा से सोचिए, और आप देखो बाइक का जो स्पीड है आपका खुद ही कम हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बाइक मत ही चलाओ मत ही स्पीड करो, हर एक चीज से एक जगह होता है समय, तो अगर आप जो रोड को जानते हो उस रोड के बारे में नॉलेज रखते हो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पोर्टल्स नहीं है, ज्यादा आदमी लोग ट्रेवल नहीं करते, तब आप वहाँ पे रश कर सकते हो, बट
मैं हमेशा यही रिकमेंड करेगा, जिस रोड के बारे में आपको पता नहीं है उस रोड में ज्यादा स्पीड ना चलाए, और जो पब्लिक रोड है वहाँ पे तो मत ही चलाए, क्योंकि वहाँ पे कुछ डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, काऊ, काऊ तो जानते हो हम लोग जो है, काऊ ऑलमोस्ट आपको कहीं पे भी मिल ही जाएगा इंडिया में काऊ, सो बिकॉज दे आर नॉट दैट इंटेलिजेंट, क्योंकि वो काऊ देख एनिमल तो एनिमल ही होता है, हम लोग का दिमाग नहीं होता हम लोग के अंदर, सो लोग कभी भी सडनली गाड़ी के पास आ जाएंगे, वो लोग का समझ में ही नहीं आता एक्चुअली, वो लोग का भी गलती मैं बोल नहीं सकता, सो प्लीज आप लोग खुद का ध्यान रखें, क्योंकि बाइक तो क्रैश हो गई बट आपका जान बहुत ज्यादा कीमती है, सो प्लीज राइड सेफ। सो आफ्टर अ लॉन्ग भाषण चलो राइड को एंजॉय करते हैं। सो बंदे लोग तो दुखी मूड है अपने आगे निकलने, तो सुबह सुबह राइड करने का मजा अलग ही होता है, संडे राइड हम लोग का मिस हो गया, आज है मंडे, संडे को क्यों नहीं जा पाए क्योंकि कोई उठा ही नहीं, अपने महान बंदे लोग उठे ही नहीं, अरे क्या है वो शशिकांत तेलपन तो गाइज अभी हम लोग दुधिया में है, सो हेयर को थोड़ा इग्नोर करो, पता है चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है, सो ये देखो सो एकदम मस्त जगह है, सब अपने बंदे बंदे सब फोटो वोटो ले रहे हैं, इधर देखो वो रहे फोटो वोटो ले रहे, सो अभी आपको मैं ब्रिज दिखाता हूँ, ये देखो ब्रिज पीछे, सो काफ़ी अच्छा जगह है दुधिया, सो मिरिक जाने का प्लान था बट क्या हुआ कि लेट हो रहा था और थोड़ा सा काम भी है आज, क्योंकि आज मंडे है संडे तो है नहीं, सो उसीलिए क्या हुआ कि हम लोग यहीं पर रुक गए, सो ये भी काफ़ी अच्छा जगह है, तो अभी सिनेमैटिक्स वनेमेटिक्स दिखाऊंगा थोड़ा, तो इन्जॉय करना फिर उसके बाद फिर बात करते हैं। बर्थडे ये देखो आप अभी आई और सुमित मेरे साथ बैठना, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है यार, काफी सुंदर है। तो गाइस अभी चाय पी रहे सब लोग और थोड़ा बात बात हो रहा है यहाँ पे, देख लो ये दुकान पे काफी अच्छा चाय है, बहुत अच्छा चाय है, और अगर आओगे तो यहाँ पे आ जाना, मुझे दिखा देता दुकान, ये तब से हम लोग का बिस्कुट खाने जा रहा है, पूरा ये डाल दी, हेलो सकल सकल देख के भी लगता है थोड़ा अगला जन्म में कुत्ता सा लगता है नहीं अच्छा लग रहा है, डॉग होता है ना तू ज्यादा भारी वर्ग का हाइब्रिड बना है, लेकिन जर्मन शेफर्ड, जर्मन शेफर्ड लग रहा है, वफादार है। सिनेमैटिक्स के बाद अभी सिनेमैटिक लेंगे चाय का, फिर देखना मजा आएगा।